भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 91 रनों पर समेटते हुए मुकाबला पारी और 132 रनों से अपने नाम कर लिया। पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के लिए कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं भारत के लिए डेब्यू कर चुके सूर्य कुमार यादव और KS भरत ने निराश किया। दोनों ही खिलाड़ी अपने पहले मुकाबले में 8-8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि खराब प्रदर्शन के चलते सूर्य कुमार यादव के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि साल 2022 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की दूसरे टेस्ट मुकाबले में एंट्री हो सकती है। यह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर हैं। जी हां, श्रेयस अय्यर ने साल 2022 में 1600 से ज्यादा रन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए थे, लेकिन चोट के चलते वो न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए, जिसके बाद पहले टेस्ट मुकाबले में उनकी गैर मौजूदगी देखी गई, जिसके लिए सूर्य कुमार यादव को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनका टेस्ट पर्दापण हुआ। लेकिन बल्लेबाज इस मौके को भुना नहीं पाए और सिर्फ 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में श्रेयस अय्यर ऐसा लग रहा है कि वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हुए अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। श्रेयस अय्यर के टेस्ट फॉर्म की बात करें तो बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली। इतना ही नहीं बल्कि भारत में तो वो लगातार सफ़ेद जर्सी पहनकर लाल गेंद से खेले जाने वाली क्रिकेट में रन बना रहे हैं। श्रेयस अय्यर ऐसे में टीम इंडिया के लिए नंबर 6 पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में कप्तान उन्हें नंबर 5 पर भी आजमा सकते हैं। लेकिन अब तो ये उनकी फिटनेस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि खिलाड़ी को दूसरे टेस्ट मुकाबले में मौका मिलेगा या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।